आज कुछ बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात के बारे में। मैं आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बस एक छोटे से क्वेश्चन के साथ आई विल स्टार्ट विद दिस वीडियो एंड विल मूव ऑन। मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, फॉर अचीविंग एनी थिंग इन लाइफ वेदर इट्स अ बिग गोल और अ स्मॉल ऑब्जेक्टिव, फॉर अचीविंग डैम स्मॉल थिंग इन लाइफ, वॉट क्वालिटीज अ पर्सन मस्ट पजेस। वो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए किसी भी इंसान के पास जिससे वो दुनिया में कुछ भी अचीव करता है, वो चाहे छोटी से छोटी चीज हो चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज हो। व्हाट आंसर्स, गिव मी सम ऑफ द आंसर्स। आई हैव गॉट सम ऑफ द आंसर्स। लोगों ने बोला कि किसी भी काम को करने के लिए आपके पास, सर उस काम को करने के लिए आपके पास डेडिकेशन होनी चाहिए, मैंने बोला एक्सेप्टेड। बोला सर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, मैंने बोला एक्सेप्टेड। सर विल पावर होना चाहिए, मैंने बोला बिल्कुल एक्सेप्टेड। कुछ लोगों ने बोला मोटिवेशन होना चाहिए, मैंने बोला एक्सेप्टेड। सर काम को करने का पैशन होना चाहिए, मैंने बोला ये भी बहुत सही है बॉस, काम को करने का पैशन होना चाहिए। कुछ लोगों ने बोला सर टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए, अगर आप प्रॉपरली टाइम मैनेज कर पा रहे हो तो आप अच्छा कर रहे हो। सर आपके पास फोकस होना चाहिए, फोकस टुवर्ड्स योर गोल होना चाहिए। आपके पास सर पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस मतलब किसी चीज को आपको सक्सेस मिलेगी आज नहीं तो कल मिलेगी, उस चीज का पेशेंस होना चाहिए। सर आपके पास डेडिकेशन डिटरमिनेशन होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास बहुत सारे आंसर्स आए थे मेरे को। डेडिकेशन, मोटिवेशन, आपको उस काम करने का मोटिवेशनल लीडरशिप होनी चाहिए। कुछ लोगों बोले सर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, किसी ने बोला कि कभी कभी किसी किसी गोल को अचीव करने के लिए हम बस कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, एंड बहुत सारी बातें। किसी ने बोला फोकस, टाइम मैनेजमेंट, परसीवरेंस, किसी ने बोला परसीवरेंस होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे आंसर्स, इवन आई वॉन्ट यू कि अगर आपको भी लगता है मेरा क्वेश्चन अगेन सुनिए, फॉर अचीविंग एनीथिंग इन लाइफ व्हाट क्वालिटीज अ पर्सन मस्ट पसेस, व्हाट क्वालिटीज अ पर्सन मस्ट पसेस। तो जो आंसर्स आए मेरे को फिर से डेडिकेशन डिटर्मिनेशन फोकस मोटिव मोटिवेशन लीडरशिप बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। बट मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा, व्हेन यू आस्क, जब इतनी सारी चीजें बोलते हैं डू यू एक्चुअली नो द मीनिंग, What are you talking about? अगर मैं बात करूं तो मैं आज तुझे बात करने वाला हूं बेटा, what do you mean by determination and dedication? ये दो चीजें आपको गोल सेट करने में बहुत हेल्प करती है। तो प्लीज आपको क्या लगता है, what do you mean by determination and dedication? What is determination and what is dedication? What is the difference between determination and dedication? I know आपके पास बहुत सारे answers होंगे, बहुत सारे concepts होंगे, but let me give you my answer and my concept is determination. When I'm talking about determination, but a determination is a mind activity. Determination is a mind activity. मैं determine कर लिया, I will determine कि मुझे CA करना है. मैं determine कर लिया मुझे MBA करना है. I determined कि मुझे CAT के लिए preparation करनी है. Determination, I have determined. तो determination is a mind activity. And अपन बात करेंगे. When you start working on it, when you are consistently, perseverantly, patiently, जब उस focus, उस goal के ऊपर काम करते हो तो उसको बोलते हैं dedication. I am dedicated towards my work. I am dedicated to CA. I am dedicated to MBA. I am dedicated to teach all of you. ये सारी बातें हम लोग करते हैं. But what is the difference between determination and dedication? तो बेटा dedication is a soul activity. सर ये सवाल हम क्यों बता रहे हो बेटा, दो मिनट सुन, मैं क्यों बता रहा हूँ कि जब किसी भी चीज को डिटरमाइन करते हैं जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, बहुत सारे ट्वेल्थ के पास, बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस थे कि हमें क्या करना है, हमें सीए करना है, हमें एमबीए करना है, हमें सीईटी देनी है, हमें सिम्बॉयसिस जाना है, हमें किसी कॉलेज जाना है, बड़े बेस्ट भी स्कूल में आना है, कि सीएस करना है, कि बैंकिंग में आना है, बहुत सारे ऑप्शंस। तो जब हम इन बहुत सारे ऑप्शन में से किसी ना किसी एक ऑप्शन को अमंग दी अवेलेबल अल्टरनेटिव, कि सीए करना है, कि सीएस करना है, कि एमबीए करना है, कि सीईटी देनी है, कि सिम्बॉयसिस जाना है, कि स्नैप देनी है, कि एनपैट देनी है, ऐसे बहुत सारे इवन कि लॉ करना है, ये सारे ऑब्जेक्टिव, अमॉन्ग दिस ऑब्जेक्टिव अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट कर रहे हो, यू आर सिलेक्टिंग अमॉन्ग दी अवेलेबल ऑल्टरनेटिव, इसका मतलब डिटरमाइनिंग समथिंग। डिटर्मिनेशन इज समथिंग टू डू विद द माइंड। आप माइंड लगा रहे हो कि अच्छा, आप जब माइंड लगा रहे हो ना तो आप करके आ रहे हो। आप चेक करो सर, जब मेरे को चूज करना पड़ता है कोई भी कैरियर या कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव या कोई बड़ा गोल, तो मैं क्या देखता हूँ, फर्स्ट थिंग आप देखते हो कि किस कैरियर में, बताऊँ आज के बच्चे को कहते हैं कि सर फाइनेंस किस में आ रहा है, पैसा, मनी। आप लोग बहुत मनी माइंडेड हो कि इस कैरियर में पैसा है क्या, आगे काम पैसा आएगा, पैसा फर्स्ट इज फाइनेंस। सेकंड आप देखते हो सर रिस्पेक्ट है क्या, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लोग हमको हमारे नाम तो जानना चाहिए,
आप वो चेक करते हो, आप चेक करते हो क्या सर नेम और फेम मिलेगा क्या, नेम एंड फेम मिलेगा क्या, अच्छा आप ये सब चीज चेक करते हो, रिस्पेक्ट देखते हो, मनी देखते हो, सर लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ काम ज्यादा तो नहीं करना पड़ेगा, काम इजी रहेगा तो हम कर लेंगे, ये आपका फोकस होता है, बस 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 ये गलती हो जाती है। बिकॉज एक बात सुनो मेरे बच्चों, जब आप किसी भी चीज के लिए डिटरमाइंड होते हो, लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग टू अ सीए स्टूडेंट, लॉट ऑफ मी से आई एम डिटरमाइंड टुवर्ड्स सीए, जब आप सीए के लिए डिटरमिनेशन चेक करते हो कि मैं वो सीए करना है कि लॉ करना है कुछ और करना है, तो जब डिटरमिनेशन चेक करते हो कि मैं किस चीज के लिए डिटरमाइंड होने वाला हूं, आप फाइनेंस चेक कर लेते हो, आप रिस्पेक्ट चेक कर लेते हो, आप नेम और फेम चेक कर लेते हो, आप हिंड्रेंसेस एंड ऑब्जेक्टिव चेक कर लेते हो, लेकिन आप ये चेक नहीं करते हो टू विच थिंग्स आई एम डेडिकेटेड। कभी ये टाइम पे नहीं आ पाता, कभी आप उसमें देखते नहीं हो मैं किस चीज के प्रति डेडिकेटेड हूं, बिकॉज डेडिकेशन इज समथिंग डूइंग दैट थिंग कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली एंजॉयफुली एंड विद सेटिस्फेक्शन। आप कभी ये नहीं चेक करते हो कि मैं किस चीज के लिए डेडिकेटेड हूं, जहां पे दुनिया बोलती है वहां पे चले जाते हो। सर क्यों क्यों ये चेक करना जरूरी है, आप में से कितने लोगों को लगता है सीए की एग्जाम बहुत टफ है, अगर आपको लगता है सीए की एग्जाम बहुत टफ है तो सीए की एग्जाम बिल्कुल टफ नहीं है, सीए की एग्जाम इज वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम एवर, अगर उसमें आपका डेडिकेशन है, अगर आपको उस करने में मजा आता है तो, अगर आपको टैक्स पढ़ने में मजा आता है, अगर आपको नया जीएसटी आया उसके बाद सुनने में मजा आता है, अगर आपको लॉ के बारे में सुनने में मजा आता है तो सीए इज वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम एवर। बट मेरे को सर सीए बहुत टफ लगता है, सर इतना पढ़ना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, सर मेरे को कैट की प्रिपरेशन मुझसे नहीं हो पाती, कैट इतना सारा मैथ्स है, क्योंकि मैथ्स के लिए आप डेडिकेटेड नहीं हो, क्योंकि मैथ्स के लिए आप डेडिकेटेड नहीं हो, और जिस चीज के लिए आप अगर डेडिकेटेड नहीं हो प्लीज डोंट डू दैट, because it will never drive satisfaction from you. Say example बताओ, मैं आपको बता रहा हूँ बचपन से, लेकिन मैं बोलूँ आज अगर संडे है, संडे के बारे में बात करें तो मैं बात आपसे करूँ कि अगर मैं किसी बच्चे को, मैंने देखा है मेरे स्टूडेंट्स को आज सुबह को उसको 7 बजे क्रिकेट खेलने भेजा, 7 से 12 तक कंटिन्यूस मैच पे मैच मैच पे मैच क्रिकेट खेलते जा रहा है, फिर आया है घर पे आता है 1 या 2 बजे फिर से निकलता है मैच खेलने के लिए, और 2 से लेकर रात के शाम के 6-7 बजे तक मैच खेलते जा रहा है, और शाम को मतलब दिन का खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, फिर भी उसको मजा, इसका मतलब ही इज डेडिकेटेड टू क्रिकेट। देयर आर सम पीपल जिनको फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, देयर आर सम पीपल जिनको बहुत बार बोलूं मूवीज देखना बहुत पसंद है, बस मूवीज ही देखते हैं, घर पे बैठा दो उनको, बस उनको मूवीज दे दो, दे आर डेडिकेटेड टू मूवीज। जिस काम को आप कंसिस्टेंटली कर पा रहे हो, सुबह शाम कर पा रहे हो, विद सेटिस्फेक्शन कर पा रहे हो, जिस काम को करने से आपको थकान नहीं होती है, वो चीजों पर आप डेडिकेटेड हो। अब अगर आपने कोई ऐसा करियर चूज कर लिया जिसके प्रति आप डिटरमाइंड तो हो बट डेडिकेटेड नहीं हो, आपको वो करियर आपकी जान ले लेगा बेटा, वो करियर आपको बहुत फोर्स करेगा, बहुत लंबा टाइम लगाएगा, वो कोर्स वो करियर आप मंजिल तो पालोगे लेकिन जो ये रास्ता है ना रास्ता, उस रास्ते में इतनी कठिनाइयां हो जाएंगी कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, मैंने क्यों करा ये करियर, देन व्हाट इज द डेस्टिनी, सीए बन गए अब क्या करें, वापस से यही काम करना है क्या, तो ये काम में तो मजा आता ही नहीं था, ये काम डेडिकेशन ही नहीं है। विश्वास मानो मुझे बहुत सारे ऑफर आए थे आफ्टर माय एमबीए, आफ्टर माय डूइंग डिफरेंट डिग्रीज, मेरे को बहुत सारे ऑफर्स आए, लेकिन आई एम डिटरमाइंड टुवर्ड्स टीचिंग, और जब मैंने टीचिंग एज अ प्रोफेशन चूज किया, मैंने आपके समान फाइनेंस नहीं देखा, मैंने आपके समान नेम और फेम नहीं देखा, मैंने देखा क्या मैं डेडिकेटेडली पढ़ा पाता हूँ। बेटा आप कोई मुझे सुबह 7 बजे खड़ा करे और रात के 12 बजे तक उस जगह से हिलने के लिए ना बोले, मैं सुबह से लेकर रात तक पढ़ा सकता हूँ, और रात को सोने के बाद भी सुबह को सोचता हूँ कि अब क्या पढ़ाऊंगा, कौन से नए बच्चे आएंगे, किन की क्या डाउट सॉल्व करने हैं, बिल्कुल, क्योंकि आई एम डेडिकेटेड टुवर्ड्स टीचिंग, आई एम डेडिकेटेड टुवर्ड्स स्पीकिंग, आई एम डेडिकेटेड टुवर्ड्स शेयरिंग द एक्सपीरियंस। तो बेटा जब तक किसी चीज के लिए आप डेडिकेटेड नहीं हो आप उस चीज को अचीव नहीं कर सकते। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम किसी ऑब्जेक्टिव को, बिकॉज वंस यू डिटरमाइन योर ऑब्जेक्टिव, आई एम डिटरमाइंड टुवर्ड्स सीए, आई एम डिटरमाइंड टुवर्ड्स एमबीए, आई एम डिटरमाइंड टुवर्ड्स माय फैमिली, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइंड कर जाते हो तो आपको उस पर डेडिकेटली चलना पड़ता है। वो एक दिन की एक्टिविटी नहीं है। अगर आज आपने कोई करियर चूज कर लिया, आज आपने कोई चीज डिसीजन ले लिया, तो क्या वो एक दिन का होगा? नहीं, उस डिसीजन को कम से कम 2-3-4 साल या हो सकता है बहुत बार लाइफ टाइम आपको संभालना है। तो संभाल तो आप उसी चीज को सकते हो जिसके प्रति आप डेडिकेटेड हो। सर डेडिकेशन का मतलब क्या, क्या दिन भर काम करना? नहीं, डेडिकेशन का मतलब उस काम करने में मजा आना। आप किसी उस चीज के लिए डेडिकेटेड हो ही नहीं सकते जिसमें आपको मजा नहीं आ रहा है। सो बिफोर चूजिंग योर करियर प्लीज फोकस कि आप किस चीज को डिटरमाइन कर रहे हो, किस चीज के प्रति डेडिकेटेड हो, कि अनटिल एंड अनलेस डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन का मेल नहीं होता है आप कुछ अचीव नहीं कर पाते। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं
तो दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो था, मैंने फॉर करियर चूजिंग, आप कोई भी करियर चूज कर रहे हो, कोई भी डिसीजन ले रहे हो, छोटा या बड़ा, हमेशा हमेशा बेटा अपना एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, अपनी 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 स्ट्रेंथ चेक करो कि कहाँ कहाँ कौन कौन से काम करने में आपको मजा आता है। बेटा जिस काम को करने में मजा आता है, अगर वही आपका प्रोफेशन बन गया तो इट विल मेक यू हैप्पी थ्रू आउट योर लाइफ। लेकिन जिस काम को करने में मजा नहीं आता है या आप डाइसी हो, तो प्लीज प्लीज डू काउंसिल योरसेल्फ, अपनी सेल्फ काउंसलिंग करो। बहुत बार शांति से बैठो, आंखें बंद करके बैठो, 10-15 मिनट किसी सबसे दूर जाके, आउट ऑफ दी वे जाके, आउट ऑफ दी बॉक्स जाके सोचो कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है। बेटा एवरीवन इज ब्लेस्ड विद अ सेपरेट स्ट्रेंथ, हर इंसान के पास स्ट्रेंथ है। और अगर आपके पास कोई वीकनेस भी है, अगर आप अपनी वीकनेस को वीकनेस मान रहे हो, नहीं, डू रिस्पेक्ट योर वीकनेस। आपकी जो वीकनेस है, हो सकता है उसने आपको बहुत बार आपकी जिंदगी में बचाया है, क्योंकि वो आपकी वीकनेस थी, क्योंकि आप उस जगह पहुंच ही नहीं पाए। हो सकता है उस जगह पहुंचते तो आप गिर जाते, इसीलिए मैं बोल रहा हूं प्लीज 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 डू कॉन्टेक्ट मी। अगर आपको लगता है कि किसी चीज के अंदर आपको डाउट है, कोई आप करियर चूज नहीं कर पा रहे हो, कहीं पे आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे आप डाइसी हो, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्लियर नहीं हो रहा, देयर आर लॉट मेनी साइकोलॉजिकल एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट which I want you, कि क्योंकि बेटा अक्सर क्या ये सब चीज़ करवाना जरूरी। बिल्कुल बेटा, आप अगर आने वाला करियर चूज नहीं कर रहे हो, आप आपकी बेटा आने वाली लाइफ चूज कर रहे हो। अब आने वाली लाइफ करियर चूज नहीं हो रहा है, करियर 3 साल में हो जाएगा, जो बनना है बन जाओगे 3-4-5 साल में। लेकिन 5 साल के बाद टिल द एज ऑफ 60, टिल योर मैरिज, आफ्टर योर मैरिज, क्या उस काम को कर पाओगे बेटा? अगर उस काम को नहीं कर पाए तो आप खुश नहीं रहोगे, आप खुश नहीं रहोगे, आपके फादर एंड मदर खुश नहीं रहेंगे, आपके फादर एंड मदर के आपसे जो भी आप जिससे भी शादी करोगे, आपका जो भी स्पाउस होगी, जो भी आपका हस्बैंड होगा, वो आपसे खुश नहीं रहेगा, क्योंकि आपको आपके वर्क में मजा नहीं आ रहा है। बेटा दिस इज द राइट टाइम वेर यू गो फॉर अ राइट काउंसलिंग। मैं नहीं बोल रहा किसी बाहर से काउंसलिंग करने जरूरत है, बिकॉज अंदर मन की आवाज तो बहुत जरूरी होती है। जो अंदर मन की, सर अंदर मन की आवाज बहुत बार आती है बेटा, बहुत बार आती है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर आवाज जो बार बार आती है, यू कैन डू शेयर विद योर प्रॉब्लम्स, आई विल ट्राई टू गिव ऑल योर आंसर्स थ्रू माय वीडियोस, आई विल अप्रिशिएट अगर आप मुझे बता पाए कि कहां कहां पे आपको कहां का प्रॉब्लम आती है। आई विल हेल्प यू टू गिव द गुड साइकोमेट्रिक टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिससे आपको ये बात मालूम पड़े कि क्या चीज मुझ में है, क्या चीज मेरी है, एंड द आंसर इज हु एम आई। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपसे मिलता रहूंगा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।